ठीक है। तो ये मीथेन के केस में देखते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मीथेन के अंदर। अब ये 2D डायग्राम 2D बोर्ड के ऊपर में हम 3D डायग्राम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे जो चार बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, तो चार बॉन्ड जो नजर आते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है जिसको हम डैश लाइन से बता रहे हैं और ये वाला डार्क वेज लाइन से बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीज को देखें तो ये क्या होता है कि हम अगर यहां से अगर चीज को ऑब्जर्व करते हैं इस साइड से, तो क्या होता है ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है उसके साइड से होता है। कोई मुझे चार पेन देगा, थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करता हूँ, और ले लीजिए इसके बाद रेड वाला है बेटा, रेड रेड वाला है, इसे कुछ ठीक है, चलो देखो बेटा, थोड़ा सा ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमें चीजें नजर आती हैं, तो कैसे होता है कि वहां पे भी चार नजर आ रहे हैं, है ना, चार बॉन्ड है, और यहाँ पे भी हमें चार बॉन्ड नजर आते हैं, ठीक। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो दो रहेंगे जहां पे हमने सिंपल लाइन यूज की हुई है ना, तो ये सिंपल लाइन वाले कौन से होंगे, मानो ये दो होंगे, सिंपल लाइन वाले कौन से होंगे, मानो ये दो होंगे, है ना। और जो डैश लाइन हम यूज कर रहे हैं तो मानो ये वाला है, पीछे नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, रोटेट करता हूँ ऐसे, तो ये वाला होगा, ठीक है। और एक जो डार्क वेज लाइन नजर आती है तो मानो ये, ठीक है, यहाँ और ये डैश वाली, और ये दो क्या होंगे, सिंपल लाइन वाले होंगे, है ना। तो क्या होता है कि यहां से अगर ऑब्जर्वर ने देखा, मतलब कोई हम लोग मानो कि माइक्रोस्कोप लेके बैठे हुए हैं जो भी है, ठीक है, तो यहां से अगर चीज देखते हैं तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, जो देख रहा है उसके नजदीक होता है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर करेंगे उसको, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे एक चीज देखनी है, मानो कि ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड ऐसे ही, समझ में आ रही बात, कैसे ऐसा खड़ा है ना, जैसे बोर्ड नजर आ रहा है वैसे ही, तो ये वाला बॉन्ड किधर आता है, किधर आता है, इस साइड में आएगा, सामने साइड में, ठीक है। और ये दो बॉन्ड क्या होंगे, प्लेन टू द बोर्ड होंगे, प्लेन टू द बोर्ड है ना, और ये है ना सामने वाला आता है जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये प्लेन टू द बोर्ड होंगे, मतलब पेपर पर, और ये क्या होगा है ना, बिलो द प्लेन होगा, मतलब है ना ऑब्जर्वर से क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब ये दूर जाएगा। तो ये 3D में बताने की कोशिश करें, तो ये दो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल में प्लेन टू द पेपर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब अगर ये प्लेन अगर चले तो ये दो क्या होंगे, ये बोर्ड को प्लेन रहेंगे, और ये वाला क्या होगा, बोर्ड के पिछले साइड में होगा, है ना, पीछे साइड में रहेगा, और ये वाला ये सामने साइड में आएगा। ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑब्जर्व करेगा मतलब उसको अज्यूम करेगा ऐसे थोड़ा सा, तो उसको समझ में आएगा, है ना, जैसे ये वाला ये बोर्ड और ये सामने वाला और ये पीछे से, और ये दो प्लेन टू पेपर आ रहे हैं, ठीक है। आगे तो ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, टेट्रा हेड्रल होती है, देखो ये, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, टेट्रा हेड्रल होते हैं। अब ऐसे ही NH4 प्लस में भी आता है, NH4 प्लस ऐसे वाले में मौजूद होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाते हैं। अभी ये प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि अगर चलिए देखिए अमोनियम के केस में तो यहाँ पे नॉन पेयर आती है ना, अब वो नॉन पेयर डोनेट करके उसने और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो कन्वर्ट किसमें हो गया, तो इसीलिए ड्यू टू है ना इलेक्ट्रॉन पेयर मीटिंग इसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आगे सब में चलो, तो उसके एग्जांपल लिखे टेट्राहेड्रल के, CH4 NH4 प्लस, SiCl4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, NH4 प्लस, CH4 और
यस आई सी एल फोर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड है ना ओके चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पांच वाले देखेंगे जहां पे पांच बॉन्ड रहेंगे ठीक है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या रहेंगे बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अब यहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर में देखो ऐसे कुछ होता है ये सेंटर रहेगा ये ऐसे रहेगा ये ठीक है और यहां पे एक रहेगा ये ऐसे रहेगा कितने नजर आ रहे पांच है ना तो यहां पे तीन जो होते हैं प्लेन टू द पेपर आएंगे एक सामने साइड में आएगा एक पीछे साइड में जाएगा मतलब प्लेन के एक सामने साइड में और एक प्लेन के पीछे साइड में और ये तीन आएंगे तो इसको क्या लिखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टी आर आई जीओ एन एल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बी आई पी वाई आर ए एम आई डी ए एल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर में नंबर ऑफ बॉन्ड पांच फॉर्म होते हैं जैसे एग्जांपल देखा है हमने मोर देन एट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो जैसे पीसीएल फाइव देखा है ना पीसीएल फाइव पांच वाला एग्जांपल देखो एग्जांपल में पीसीएल फाइव फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड जिसको कहते हैं हम लोग है ना पीसीएल फाइव एस बी एफ फाइव एस बी एफ फाइव एस बी एफ फाइव ए फाइव एफ फाइव ए फाइव एफ फाइव ये सारे के सारे कौन सी ज्योमेट्री बताते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ठीक है चलो नेक्स्ट अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने छह जहां पे छह इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसा कौन सा एग्जांपल देखा है हमने कि जहां पे छह इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो थोड़ा ध्यान में आता है यस कौन सा देखा है एसएफसी देखा है ऑलरेडी बराबर ना जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की केस में हम लोगों ने देखा था ठीक तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने रहेंगे छह रहेंगे मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे छह फॉर्म होंगे तो उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो वो कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल होगा जहां पे चार क्या रहेंगे प्लेन में रहेंगे एक ही प्लेन में और दो एक पीछे साइड में जाएगा एक सामने साइड में आएगा ऐसे है ना मानो कि ऐसे चार कॉर्नर को चार जाएंगे एक प्लेन में है ना ऐसे अगर से पकड़ते हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ पे क्या नजर आता है ये प्लेन है ठीक है यहाँ पे मानो कि है ना यस है और एफ कितने हैं हमारे पास छह है तो ये वाला कॉर्नर को एक एफ जाएगा यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ये चार कॉर्नर और एक कहाँ आएगा ऊपर मतलब ऐसे देखो है ना एक क्या होगा ये चार कॉर्नर को चार जाएंगे एक ये सामने साइड में आएगा एक बैक साइड में चल जाएगा है ना अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन ऐसे भी कह सकते हैं ये अबो द प्लेन आएगा और ये क्या होगा प्लेन के बिलो भी चला जाएगा तो एस एफ सिक्स के केस में हम लोग ये देख सकते हैं ठीक उसकी ज्योमेट्री लिखना बेटा ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल तो एग्जाम्पल लिखो एसी एफ सिक्स उसका एग्जाम्पल एसी एफ सिक्स या फिर बोल सकते हैं एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स या तो फिर टीई एफ सिक्स टीई एफ सिक्स ओके बेटा याद रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है ना नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से भी क्या होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फॉर्म होते हैं है ना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी रहेंगे और लोन पेयर्स भी रहेंगे तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आगे चलते चलते देखते चलेंगे ठीक है तो उसको ऊपर क्या करो कि हेडिंग देना है ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स
ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर छोटे छोटे कॉलम बनाने पहले वाला कॉलम के अंदर में हम मॉलिक्यूल का टाइप लिखेंगे ठीक है मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसे करना है तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आएगा उसके अंदर चलो यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ एक नंबर बनाएंगे हम मॉलिक्यूल टाइप अगर जी आपके नोटबुक जो है वो अगर छोटे हैं तो उसको क्या करना है थोड़ा सा रोटेट कर दो उसके अंदर में बैठ जाएगा ठीक है ओके बैठेगा चलो मॉलिक्यूल टाइप फिर क्या आगे लिखना है नंबर ऑफ लोन पेयर लोन पेयर उसके आगे लिखना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स फिर उसके बाद में लिखो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बंद करानंतर ही बाउन्सिंग बॉल मी फ्री दिसून पाहिजे पुस्तक तू आता सांगतो मी बघून बघून एक दोन मिनिट तीन मिनिट सांगत असतो नंतर होते इसके बरोबर बाहेर चले जायचे विंडो से बाहेर यस बोल असा मॉलिक्यूल टाइप नंबर ऑफ लोन पेयर्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स देन शेप एंड देयर एग्जांपल्स ओके चलो वो ड्राइंग बाद में करेंगे हम लोग घर के ऊपर स्केच वगैरह यूज करते हैं सेंटीमीटर है ना पॉइंट सेंटीमीटर में बराबर आ रहा है कि एक्यूरेसी आ रही है वो ड्राइंग घर पे करना ठीक है यहाँ पे टाइम जाएगा हमारे चलो मॉलिक्यूल टाइप लिखना है ए बी टू ई ऐसे लिखना है ए बी टू ई है ए बी टू ई जहां पे ए होता है ना तो ए होता है सेंट्रल एटम याद रखना या तो कहीं स्पेस अगर जो होगा तो लिख लो क्या लिखेंगे ए स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम ए किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग कैपिटल ए सेंट्रल एटम के लिए ठीक है कहीं पे लिख लो ए फॉर सेंट्रल एटम बी फॉर बॉन्डेड एटम लिखो ए फॉर सेंट्रल एटम कहीं पे लिख लो ऊपर पैरा वगैरह होगा ना स्पेस लिखो ए फॉर सेंट्रल एटम बी फॉर बॉन्डेड एटम एंड ई फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आ गया, फिर से रिपीट करो, ए फॉर क्या रहेगा सेंट्रल एटम, बी फॉर क्या रहेगा बेटा बॉन्डेड एटम, और ई क्या रहेगा लोन पेयर ऑफ, है ना ठीक। तो अब यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, सेंट्रल एटम ए है मतलब एक वाला, और बॉन्डेड कितने हैं दो है बॉन्डेड पेयर, है ना, और लोन पेयर कितना ई मतलब एक नजर आ रहा है ना, बॉन्डेड कितने हैं दो, लोन पेयर कितना है एक, और सेंट्रल एटम ये वाला, उसके केस के लिए चलो। तो आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बेटा एक है ना, चलो लिखोगे एक टेबल में फिलअप करो, बॉन्डिंग कितने हैं दो, लिखो दो दो ठीक। अब उसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पहले तो अरेंजमेंट देखेंगे ठीक। अब अरेंजमेंट के अंदर में ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड एसओ टू जिसका हम शेप ऐसे निकाल सकते हैं, ये ओ ये वाला ठीक है। देखो यहां पे क्या नजर आता है, देखो सेंट्रल एटम ए वाला आके बॉन्डेड कितने दो, तो ये दोनों साइड से बॉन्डिंग है ना, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे होते हैं ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे भी होंगे, इस पे भी दोनों साइड से बता सकते ठीक। चलो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा 119.3 डिग्री आएगा, कितना ये वाला 119. एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, एसओ टू, या तो ओजोन के केस में भी आता है, कैसा बेंड स्ट्रक्चर होता है, बेंड थोड़ा सा क्यों होता है बेंड, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड ऑक्सीजन के ऊपर में क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। चलो तो उसका शेप क्या लिखेंगे आप लोग, बेंड बीई एन टी बेंड बेंड। नेक्स्ट वाला ए बी थ्री ई, ए बी थ्री ई, ए बी थ्री ई, चलो अभी आपको ही करना है, ए बी थ्री ई मतलब सेंटर में कौन है कितने हैं एक, लिखा करो फटाफट फटाफट अपना अपना बनाओ, जहां पे नहीं आता मैं बताऊंगा। हाँ सेंटर में कितना मिला एक बराबर, बॉन्डेड कितने मिले बेटा तीन गुड, है ना, तो लोन पेयर कितने हैं एक है, तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहां पे तीन बॉन्डेड होंगे, एक लोन पेयर होनी चाहिए और एक सेंटर होना चाहिए, कौन सा है, है क्या कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ, यस मुझे पता है आपको पता है NH3, क्योंकि एक ही आइटम आता है बॉन्डेड सेंटर में और तीन बॉन्डेड नजर आ रहे हैं और एक लोन पेयर नजर आ रहा है, तो लिखो ओके NH3 PCl3 भी दे सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एग्जांपल में, और उसका अभी क्या लिखना है हमें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बराबर ना। तो यहाँ पे याद रखिए कि अमोनिया के लिए हम लोग ऐसे कुछ शो करते हैं, जैसे सेंट्रली लोकेटेड अमोनिया हो गया है ना, ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन होता है, तो इसको मैं ऐसे बताऊंगा थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन और ये वाला एक क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा ऐसे बराबर, और इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होती है लोन पेयर, कभी कभी हम ऐसे बताते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में ठीक है, जैसे ये लोन पेयर रहेगी यहाँ पे और ये उसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना ठीक है। चलो ऑर्बिटल बताते हैं, ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आगे। चलो नेक्स्ट ए बी टू ई टू, ए बी टू ई टू मतलब बॉन्डेड भी दो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने हैं दो है, तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है, क्या कहीं पे लिखा हुआ, चलो नहीं है ठीक है कोई, हाँ चलो कोई बात है आपको पता होगा, थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे दो बॉन्डेड आनी चाहिए और दो लोन पेयर भी आनी चाहिए, सेंटर के ऊपर में कितने लोन पेयर आनी चाहिए दो बराबर ना, चलो कौन है, अब ये पहली चीज ऐसा हो गया है ना, पहली पूछते हैं
ऐसा फॉर्म है जिसको दो बॉन्ड भी होते हैं और दो लोन पेयर भी होते हैं, है ना? बताओ कौन? अरे बाबा रे बाबा, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। यस टू होता है कि नहीं होता? ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, दो बॉन्डेड हो गए, और ऑक्सीजन के ऊपर में क्या होते हैं? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? चलो एक और एग्जांपल। यस टू ओ, और कौन देंगे अपना? ओ एफ टू लिखो, एग्जांपल में लिखो, मैं बाद में आपको उसका जो अरेंजमेंट होती है वो बताऊंगा। हाँ, यस टू ओ, ओ एफ टू, एच टू एस, एच टू एस गैस होती है ना। हाँ चलो, एच टू एस, या तो फिर एस सी एल टू, एस सी एल टू एटसेट्रा, ये सारे आते हैं। तो अब ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन दो रहेंगे। इसके पहले भी आपको एग्जांपल बताया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने होते हैं? दो। आगे अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा बेटा, तो ये होगा 104.5 डिग्री, एच ओ एस बॉन्ड एंगल कहेंगे उसको, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? बेंड, है ना? और इसके पहले जो अमोनिया देखा हमने, तो वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया के केस में ट्राइगोनल पिरामिडल।